जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन जो होता है, ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हो रहा होता है. ये दूसरा पार्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का. हमने पहले फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था. हमने ये स्टडी किया कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन बनती है प्रोडक्ट और ग्लूकोज बनती है. लेकिन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नंबर वन पे. फिर हमारे पास वाटर होता है, ठीक है. इन दोनों के मिलने से हमारे पास क्लोरोफिल में, जो कि प्लांट के लीव्स में पाया जाता है, वहाँ पर सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस होती है और हमारे पास ऑक्सीजन प्रोडक्ट आती है, ठीक है. और हमारे पास क्या बनती है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनती है. ये वाला प्रोसेस सारा जो है वो हो रहा होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में. और क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे पास जो है उसके स्ट्रक्चर हमने देखा था. इसमें एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है और एक स्ट्रोमा का पार्ट होता है, ठीक है. स्ट्रोमा जो है जेल लाइक मैटर होता है और थैलाकॉइड जो है वो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. तो हमने फिर जब इसको डिवाइड किया इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को दो पार्ट्स में, जैसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. जो हमारे पास लाइट रिएक्शन है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाया है, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं क्लोरोप्लास्ट की, उसके अंदर ये हो रहा होता है. लाइट रिएक्शन में होगा क्या? सनलाइट की मौजूदगी में हमारे पास जो है वो वाटर जो है वो ब्रेक डाउन, वाटर की ब्रेक डाउन होगी. तो हम इस सारे प्रोसेस को जो है वो अब देख रहे हैं. तो देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होंगे. जी, अब हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम जो है वो मौजूद है, ठीक है. ये आपको नजर आ रही है, ठीक है. इसमें हमने क्या किया है? हमारे पास लाइट है जो कि हमारे पास सूरज से आएगी, ठीक है. और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है जो कि पौधे जो हैं वो जड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. टू वाटर मॉलिक्यूल जो हैं जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो 4 हाइड्रोजन जो है हमारे पास रिलीज होते हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है. अब हमारे पास जो ये 4 हाइड्रोजन जो है प्लस एच प्लस आयन बन रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ठीक है. जब 4 हाइड्रोजन बनेंगे तो चारों हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये सप्लाई होंगे, क्या एटीपी बनेगी. फिर वो हमारे पास जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, ये वाले ग्रीन कलर के जो हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर से जब ये हमारे पास जो है एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है. और ये एनर्जी जो है एनएडीडीपी के पास जाएगी, पास एंजाइम होता है, ठीक है. ये एच प्लस आयन के साथ मिलेंगे, ये एच प्लस आयन जो यहाँ रिलीज हुए हैं तो ये एनएडीपीएच बन जाएगा, ठीक है. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है. तो हमारे पास लाइट रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फोटोलाइजिस होगी. फोटो का मतलब है लाइट की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होना, ठीक है. लाइजिस का मतलब है ब्रेक डाउन होना. अब ब्रेक डाउन किस चीज की हुई है? ब्रेक डाउन हुई है वाटर की, ठीक है. ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है. H2O की वाटर वाटर मॉलिक्यूल की हमारे पास ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है. ये हमने डायग्राम में भी अभी स्टडी किया है कि हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है. तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है. हमारे पास जो है क्लोरोफिल वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. ये हमारे पास क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ठीक है. इसके अंदर जो है फिर हमारे पास फोटोलाइजिस हो रही होती है, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, ठीक है. मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है. अब हमारे पास क्या होगा जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक है. इसमें हमारे पास लाइट भी ऐड हो रही है, हम लिख लेते हैं लाइट, ठीक है. वो भी इसमें ऐड हो रही है. हाई एनर्जी लेवल हो जाएगा, ठीक है. एनर्जी लेवल रेज हो जाएगा, एनर्जी लेवल राइज, ठीक है. तो हमारे पास क्या होगा? फोटोलाइजिस होगी, ठीक है. अब हमारे पास इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और यहाँ पर हमारे पास क्या रिलीज हुई है? ऑक्सीजन रिलीज हुई है. तो ये पहला स्टेप है जिसमें हम जब कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होती है और ग्लूकोज बनता है, तो उसके पहले स्टेप में हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है. और जो हमारे पास ग्लूकोज बनेगा वो दूसरा स्टेप होगा, ठीक है. और ये हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही है, इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज हो चुकी है, ठीक है, जो कि हम सांस लेने के लिए तमाम जानदार इस्तेमाल करते हैं, पौधे खुद भी इसे इस्तेमाल करते हैं. और अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आई है? इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ठीक है. इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, जब 4 हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है. अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास चेन में ट्रांसफर होंगे, ठीक है. और एटीपी जो है जब हमारे पास यूटिलाइज होगी और इसके बाद हमारे पास इसको यूज करने के बाद हमारे पास एनएडीपीएच बनेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनएडीपीएच, ठीक हो गया. तो ये जो हमारे पास एनएडीपीएच के अंदर मॉलिक्यूल्स आते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है. एनए पहले हमारे पास क्या मॉलिक्यूल होता है? NADP होता है, ठीक है. इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. जब इसमें ऐड होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन एच प्लस आयन ऐड होते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? NADP, सॉरी इसको सही कर लेते हैं, NADPH
पीएच बन जाता है, ठीक है, ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है। और ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल, ये हमारे पास कहाँ से आया, ये हमने वाटर से हासिल किया, ठीक है। तो हमारे पास फोटोलाइजिस हुई थी, वाटर ने हाइड्रोजन रिलीज की थी और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज की थी, ठीक है। और जो हमारे पास डायग्राम बनती है उसको हम लाइट रिएक्शन, जो हमारे पास डायग्राम बनाता है उसको हम जी शेप डायग्राम कहते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन में कौन सी डायग्राम हमारे पास बनी है, जी शेप, ठीक है, जेड की शेप में। ये आपको मैं ऊपर अभी दिखाती हूँ, ठीक है, जेड शेप डायग्राम बनती है, ये देखें जेड शेप डायग्राम है, तो क्यों यूं हमारे पास जी फॉर्म में पिक्चर बन रही है, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया है लाइट रिएक्शन को, जो कि फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हमारे पास फोटोलाइजिस होती है और लाइट की मौजूदगी में वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं और बस ऑक्सीजन रिलीज होती है और एच प्लस आयन्स रिलीज होते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है ये फर्स्ट स्टेप में रिलीज होती है और तमाम जानदार जो है वो ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं।